ओके गाइस, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था बॉडी बॉडी एंड लेग, बेसिक हम लोगों ने ब्लॉकिंग किया था। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लाइक जो भी ऑपरचुनिटी हम लोग दे रखा है तो बॉडी को हम लोग थोड़ी देर के हाइड कर देते हैं, राइट क्लिक एंड हाइड सिलेक्शन। ठीक है, हैंड को लेके आते हैं यहाँ पे, तो लेफ्ट व्यू को हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं लेफ्ट में। ठीक है, शेप्स आपके सामने यहाँ पे, गो टू मॉडिफाई। ठीक है, 10 सेगमेंट्स है आपके पास यहाँ पे, तो राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉलीगन, वन प्रेस कर रखा है यहाँ पे। ओके, रोटेशन दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बेसिक शेप्स को किस टाइप से मैनेज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जैसा शेप है उसके अकॉर्डिंग आप रोटेशन देखो तो शेप आपको बहुत बहुत बेटर आएगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन मैनेज करो, वन साइडेड स्केल करो एक्स एक्सिस से, बेसिक शेप आपके पास यहाँ पे। ठीक है, डेल्टोइड वाला पार्ट है तो थोड़ा सा आप इसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। मेनली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेल्टोइड वाले पार्ट को हम लोग अलग से डील करते हैं यहाँ पे। चलते हैं फ्रंट व्यू में। ओके, फ्रंट व्यू में चल के लाइक सेलेक्ट करते हैं लोअर पार्ट, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और वन बाय वन करके हम लोग मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जहाँ तक कि हमें डील करना है इतने वाले पार्ट को लेकिन मैं डिलीट कर देता हूँ, इतने पार्ट हमें नहीं रखना, ये हम लोग टॉर्सो से निकालेंगे, जो अपर पार्ट होगा उस वाले पार्ट से हम लोग निकाल सकते हैं कि कैसे शेप हमें करना है। कई बार क्लॉथ के लिए क्या करते हैं, सिर्फ इतना पार्ट अलग से ऐड ऑन कर देते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है हमें हैंड के लिए काम करना है, हैंड प्लस क्लॉथ और देन बेसिक शेप हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं यहाँ पे, लाइक जितने भी टर्न है वहाँ पे टर्न पे आपके मिनिमम 3 सेगमेंट्स होने चाहिए। तो एडजस्ट सेलेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे करना था सेम फोर करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम 3 सेगमेंट्स आपके पास होना चाहिए हर टर्न पे। आप फ्रंट में जाकर थोड़ा सा आप वन साइडेड स्केल करो एक्स एक्सिस पे, जितना मैच कर सकते हो उतना ज़्यादा बेटर है। ओके, ये पूरा पार्ट है, राइट क्लिक कर दिया मैंने, इंसर्ट कर दिया यहाँ पे फर्स्ट देन सेकेंड, और इसे मैं हल्का सा इंक्लूड कर दूंगा यहाँ पे, राइट क्लिक एंड एक्सट्रूड करते हैं बाहर की तरफ, अंदर की तरफ इंक्लूड कर देते हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो डील किया लाइक ठीक है, मेरे पास यहाँ पे पूरा पार्ट आ गया यहाँ पे अनहाइड ऑल, मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे विजुअल यहाँ पे। ठीक है, जस्ट मुझे लगता है क्लॉथ बनाना, तो क्लॉथ बनाने की मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। सपोज मैंने सेलेक्ट कर दिया बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर सेलेक्ट करके ओके फ्रंट व्यू में गए, जस्ट स्केल, ठीक है, एंड देन शिफ्ट एंड कॉपी, और आपको यहाँ पे रोटेशन देना है यहाँ पे। ये क्लॉथिंग के लिए यहाँ पे आपको प्रॉपर रोटेशन देना है कि आपका हैंड कुछ इस टाइप से मैनेज होगा। ठीक है, नीड है हमारे पास एक सेगमेंट की, तो हम लोग चलते हैं एजिस पे। ठीक है, एजिस में आपको यहाँ पे मिलेगा स्वेप्ट लोग, सिर्फ प्रेस करके क्लिक कर दो आप यहाँ पे, ये चीज़ अपने आप बाहर की तरफ निकाल देगा यहाँ पे। ओके, फ्रंट से आप थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर सकते हो बेसिक डेल्टॉइड को। ओके, वन साइडेड आप यहाँ पे डील करना चाहो तो आर प्रेस करके आप यहाँ पे हल्का सा डेल्टॉइड के लिए जस्ट लूप एडजस्ट लेकर के लूप करो आप यहाँ पे, थोड़ा सा थिकनेस होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कहूँ जस्ट बॉर्डर सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे बॉर्डर, और वन साइड स्केल। ठीक है, इस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। बेसिक ब्लॉकिंग है लाइक बेसिक मॉडलिंग के लिए इज गुड, लेकिन अगर हमें रिगिंग और एनिमेशन के लिए चाहिए तो हमें इसका टी पोज बनाना होता है, और टी पोज नहीं बनाएंगे तो ये किसी काम का नहीं है। तो क्लॉथिंग के लिए हमारे पास ये काम कर जाता है कि ठीक है मैं ऐसा कुछ डील करना है, हम चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग लाइक जो मेरे पास टॉर्सो को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। जो सपोज लाइक ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डील करना पड़ेगा, मेरे पास जो बेसिक शेप है उस शेप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करने वाला यहाँ पे। सपोज दो वर्टेक्स मैंने यहाँ पे ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी पे चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा राउंडनेस। ओके, जितना पार्ट आपने यहाँ पे टर्न है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मुझे यहाँ पे नहीं देगा सेगमेंट की, तो मैं क्या सेगमेंट दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एडजस्ट पे गए, ठीक है, ऑल्ट आर देन राइट क्लिक एंड कनेक्ट, वन प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे,
सेव्स को तो हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं, पूरा पार्ट में बस यहाँ पे अगर इस टाइप से मैं चीज़ों को तो समय मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। मेनली क्या होता है, हमें चेस्ट के लिए भी थोड़ा सा बेसिक सेप निकालना होता है। यहाँ पर क्लॉथिंग है, क्लॉथिंग के साथ मैं डील कर रहा हूँ यहाँ पे, किस हिसाब से हमें मैनेज करना है यहाँ पे। ठीक है, लाइक वन प्रेस करके आप आर फॉर स्केल, स्केल करो आप यहाँ पे, देन इसको सेंटर पे रखो यहाँ पे। ठीक है, एल फॉर लेफ्ट एंड जेड फॉर जूम। ठीक है, ऐसा कुछ मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे। सपोज तो मैंने नेक बना दिया यहाँ पे, मुझे नीड है सेगमेंट्स की, तो देन एडिट देन स्वेप लूप। ठीक है, क्लिक कर दिया यहाँ पे, गो टू एजेस देन आर फॉर स्केल। लेफ्ट में जाके हम लोग उसे मैनेज करते हैं कितना मैच कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। फ्रंट में चलते हैं, फ्रंट के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को डील करना है। दोनों व्यू में आपको काम करना है, लाइक किसी भी एक व्यू में काम करके मैं छोड़ना है, नहीं तो बाकी चीज़ सही नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, लिटिल बिट बेसिक शेप से आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, किस टाइप से आपको डील करना है पे, जस्ट बेसिक ब्लॉकिंग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास एक दूसरा क्लॉथ है, लेकिन देखें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं लाइक बॉडी के लिए, तो बॉडी के लिए मैं इतने पार्ट को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। सपोज मुझे इतना कट करके यहाँ पे रखना है, लाइक यहाँ पे मुझे क्लॉथ के लिए अलग पार्ट बनाना है, तो मैं इसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग करूँगा कि पैसे बेसिक शेप में कैसे लेके आने वाला हूँ। लाइक मुझे यहाँ पे एजेस को कट करना होगा, तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ऑल्ट आर देन राइट क्लिक एंड कनेक्ट, एक कनेक्टिविटी देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अगर लगता है मुझे दो कनेक्टिविटी दें, मैं दो भी कनेक्टिविटी देता हूँ यहाँ पे, नीड है तो हम लोग चीज़ों को फसल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइक शेप्स के अकॉर्डिंग मैनेज किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेगमेंट्स की नीड है तो सेगमेंट देंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप देखो, इतना बॉडी वाला पार्ट है, बॉडी के लिए हम लोग इतना अलग करने वाले हैं, जस्ट क्लॉथ वाले पार्ट के लिए मैं इतना अलग डील करने वाला हूँ यहाँ पे। तो पहले जस्ट बेसिक ब्लॉक कर लेते हैं यहाँ पे। बॉडी हम लोग देखें तो देन ऑलमोस्ट हम लोग काफ़ी अच्छी चीज़ें फुलफिल कर लिया यहाँ पे। ठीक है, शेप्स को समझो, लाइक शेप्स कैसा, लाइक ये शेप है, शेप्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा राउंड करूँगा यहाँ पे। यहाँ पे नीड है तो बेसिक राउंडनेस बनाना है मुझे यहाँ पे, लाइक फ्रंट पे गए या लेफ्ट पे गए, क्या हैंड के अकॉर्डिंग राउंडनेस बनाया मैंने यहाँ पे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे नीड एक सेगमेंट के, तो मैं यहाँ पे एक सेगमेंट देख के मैं चीज़ें फुलफिल करता हूँ यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे कि ओके ये शेप कुछ ऐसे जाने वाला है। रेफरेंस को कितना हम लोग कवर कर सकते हैं यहाँ पे, शेप्स को देखो, अलग शेप्स को देखो, यहाँ पे नीड है, वहाँ पे सेगमेंट दो। लाइक यहाँ पे मुझे नीड है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट मुझे आयरन करना है, तो देन ठीक है, वन प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देन चीज़ों को मैं कुछ ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, कर्व थोड़ा सा मेंटेन करके रखना है यहाँ पे। क्लॉथ है तो क्लॉथ में थोड़ा सा ऐसा कुछ मैनेज हो सकते हैं यहाँ पे, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन थोड़ा सा कर्व आपको थोड़ा सा मेंटेन करना है यहाँ पे। ठीक है, शेप्स को आप थोड़ा सा मैनेज करो। बेल्ट के लिए यहाँ पे थोड़ा शेप हम लोग छोड़ रखा है, तो देन थोड़ा सा आइडिया हम लोग लेते हैं यहाँ पे। ठीक, कितना मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, फ्रंट एंड जेड, लाइक फ्रंट से कितना मैच किया जा सकता है यहाँ पे। तो लाइक कुछ कुछ ही ऐसी होंगी जहाँ पे आपको लगता है फ्रंट सही काम कर रहा है, साइड सही काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं देखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना, लाइक बॉडी के अंदर मुझे यहाँ पे जैसे नेक बना दिया, तो नेक बनाने के लिए इतना पार्ट मुझे अलग रखना है जितने मुझे बॉडी में देखेगा यहाँ पे। अब मुझे क्लॉथ के लिए यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास जो ग्रीन वाला पार्ट है, ग्रीन क्लॉथ के बारे में मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो ऐसे शेप्स को मुझे कट करना है। तो शेप्स को कट करने के लिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कुछ पार्ट को डुप्लीकेट करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट पॉलीगन, ठीक है, देन ग्रो एंड ग्रो, इतना पार्ट मैंने लिया यहाँ पे। ठीक है, और कुछ यहाँ तक के जितना मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, इतने पार्ट को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, जस्ट सपोज लाइक मैंने पूरा बना रखा था, इतने पार्ट को मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लाइक एफ फॉर फ्रंट मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट क्लिक एंड क्लोन टू एलिमेंट है, क्लोन टू ऑब्जेक्ट, क्लोन टू ऑब्जेक्ट करना आपको यहाँ पे।
क्या होगा कि मेरे पास दो मॉडल हो गए यहाँ पे, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे बॉडी कर सकता हूँ, डीओ डीवाई बॉडी, ठीक है। और दूसरे वाले को मैं डील कर सकता हूँ, बॉडी को राइट क्लिक एंड हाइड कर सकता हूँ, पर हाइड। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला, लाइक मुझे इतने पार्ट पे डिलीट कर देना है, इसकी नीड नहीं है, ठीक है। लाइक ग्रो इसकी भी नीड नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे। अब मुझे सिर्फ इसके अकॉर्डिंग डील करना है मैं क्लॉथ कैसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेव से यहाँ पे लाइक सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, वन बाय वन करके यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ मैनेज करते हुए हम लोग तो उसे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे वर्टेक्स, वर्टेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को मैनेज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसकी नीड है तो रखते हैं, नहीं तो हटा देंगे यहाँ पे। क्लॉथ करने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है, प्री फॉर परस्पेक्टिव, ठीक है। ऑर्बिट से हम लोग थोड़ा सा टर्न करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट में चलते हैं, लेफ्ट में हम लोग देखते हैं जैसे कॉलर टाइप से है, तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ। कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे, लेफ्ट एंड देन फ्रंट दोनों को साथ लेके चलते हैं यहाँ पे, एफ फॉर फ्रंट, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए यहाँ पे। ओके, इस वाले पॉइंट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, देन मैंने इसको मैनेज कर देना यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है। और देन यहाँ से सेलेक्ट करना वहाँ पे, और देन इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करके लाइक ऐसा कुछ मैनेज कर देना है, ठीक है। तो आप देख लो लाइक सेलेक्ट कहाँ से कर रहा हूँ मैं, मूव कहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए आपको यहाँ पे। यहाँ कुछ ऐसे भी डील किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इवन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ प्रोस्पेक्टिव में जाके यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा और मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। पीछे वाले वर्टेक्स को सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, अप कर दिया यहाँ पे, और लास्ट वाले को सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे जस्ट। तो बेसिक शेप आपके यहाँ पे मैनेज हो जाएगा कि आपको बेसिक शेप गया कैसे है, ठीक है। टर्निंग वाला पार्ट है, हम लोगों ने बेसिक चीज़ को थोड़ा सा कैसे टर्न करना है प्रॉपर, हम लोग टर्न कर दें यहाँ पे। कनेक्टिविटी आपके सामने यहाँ पे है, ठीक है। इवन मैं थोड़ा सा इसे शार्प करने के लिए लिटिल बिट अगर लगता है एजेस को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, एजेस देन लूप राइट क्लिक एंड सेंड फॉर, ठीक है। थोड़ा सा प्रोमिनेंट आ जाएगा यहाँ पे। और सपोज मुझे यहाँ पे काम करना है, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मैसेज स्मूथ, ठीक है। मैसेज स्मूथ अगर आप देखो तो बेसिक लुक एंड फील आपके यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, कि बेसिक शेप आपका कैसा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करने की कोशिश करूँ यहाँ पे, लाइक यहाँ पे जो शेप्स हैं यहाँ पे स्मूथनेस पे भी मैं डील कर सकता हूँ कि मुझे कैसे मैनेज करना है पहले बेसिक शेप्स, ठीक है। प्रीफर परस्पेक्टिव, हैंड को कैसे डील करना है। सपोज मेरी चीज़ों को कुछ जोड़ना है, मैं चाहता हूँ इसे जोड़ना ना पड़े, सपोज ऐसे अलग से पार्ट में दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या करता है, लाइक सेलेक्ट कर दिया मैंने बॉर्डर, बॉर्डर राइट क्लिक एंड कैप, इफ़ यू वॉन्ट कैप यू कैन कैप, ठीक है। या आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी डील कर सकते हो, आप यहाँ पे आर प्रेस कर दिया शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड एंड राइट क्लिक एंड कोलैप्स, बंद हो गया। दो तीन एक्सट्रूड करने का पर्पज़ क्या कि लाइक जब यहाँ पे यूज़ करूँ मैं स्मूथ, ओके। अभी सेलेक्ट करते हैं मॉडल, ठीक है। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद लाइक हैंड सेलेक्ट कर दिया मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मैस स्मूथ, ठीक है। मैस स्मूथ, ठीक है, सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, राइट क्लिक एंड आना है ऑल, ठीक है। नहीं नहीं कुछ चीज़ों को हम लोग ऐसे भी डील कर सकते हैं स्मूथनेस के साथ, हम लोग डील करने वाले लाइक सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट सेलेक्टर, कुछ इस टाइप से मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। लाइक सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके गो टू वर्टेक्स मोड, ठीक है। और मैं ऐसे भी कुछ चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता था, जस्ट फॉर मॉडलिंग पर्पज, ठीक है। अब कंट्रोल प्रेस करके थोड़ा सा ऐसे सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, और देन आप रिलैक्स कर सकते हो आप यहाँ पे लिटिल बिट, ठीक है। ऑल डब्ल्यू, ओके। यहाँ पे देखो जो हैंड हैंड को आपको हर तरीके से डील करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। देन यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो देन आप इसको ऐसे डील करो कि आप मैनेज कर सको आप यहाँ पे। गो टू टॉप व्यू देन जेड,
ऐसे कुछ ही रह जाते हैं, जैसे कितना पार्ट हमें मैनेज करना, तो हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे बैक का जो पार्ट होता है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हल्का फुल्का लिटिल बिट अंदर प्रेस होगा आपका, यहाँ पे ये यह पार्ट कुछ हल्का सा बाहर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेक्टर जेड ऑर्बिट से आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। जो बैक का पार्ट है लेटरली आप यहाँ पे थोड़ा सा डील कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंटेड है, थोड़ा सा पॉइंटेड लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। थोड़ा सा मैनेज लगना चाहिए, ऐसे नहीं बिल्कुल ऑड लगे, तो थोड़ा सा हम लोग चीज़ को मैनेज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लॉथ के अंदर उतना डिटेल्स दिखता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश को थोड़ा सा चीज़ें दिखा सकते हो, तो वेल एंड गुड है यहाँ पे। नहीं प्रॉपर ये थोड़ा सा फीलिंग ऐसी आनी चाहिए कि ये इसके यहाँ थोड़ा सा जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये हम लोग डील करें विद स्मूथ स्मूथनेस के साथ, तो चाहिए थोड़ा सा मैनेज लगे यहाँ पे, ठीक है। जॉइंट का पार्ट हम लोग जॉइंट भी बताएंगे, जॉइंट के स्टेप्स आप कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बेसिक शेप अगर आपके पास सही आ जाता है तो देन ईजी होता है, ठीक है। प्रोसेक्टिव जज अभी क्लॉथ है, क्लॉथ की थिकनेस के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, सिंपल राइट क्लिक टॉप लेवल, यहाँ पर मैंने यूज़ कर दिया लाइक सेल, सेल यूज़ कर सकते हैं, सेल का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो देन मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मिट्टी लेके यहाँ पे चीज़ दिखे, मैं यहाँ से चीज़ों को डिलीट करना पड़ेगा यहाँ पे, लाइक बस स्मूथ यहाँ पे, ठीक है। सेल आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कितनी थिकनेस देनी है आपको यहाँ पे, थिकनेस सिमेट्री, ठीक है। देन मैं स्मूथ कुछ चीज़ यहाँ पे ख़राब हो रही है यहाँ पे, जैसे थोड़ा सा मैनेज करेंगे हम लोग यहाँ पे। सिमेट्री में बस कुछ वेल्ट का अमाउंट होता है, थ्रेश होल्ड है ना, पे ट्राई करके देखें यहाँ पे कुछ काम करे कि नहीं करा। देखिए फॉर फ्रंट सिमेट्री, ठीक है, तो मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे। ऐसे भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर हम चीज़ों को थोड़ा सा डील कर सकते हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट पे गए, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने राइट क्लिक एंड टॉप लेवल, हैंड पे चलते हैं यहाँ पे, वर्टेक्स F3 स्मूथनेस के साथ में थोड़ा सा मैनेज करना, तो मैं ऐसे कुछ मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, जो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे बहुत मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे। इवन अगर यहाँ पे एक ऑप्शन यूज करें बाई एंगल, प्रोसेक्टिव इन जेड ये देखो यहाँ पे काफ़ी तक सेलेक्ट हो रहे हैं भाई, ठीक है। और देन सिलेक्शन का अलग अलग प्रोसेस है, राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू फेसेस, आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट एंड एफ फॉर फ्रंट, राइट क्लिक अनहाइड ऑल, तो मैं ऐसे भी डील कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे इस टाइप से कुछ मैनेज करना होता, क्योंकि थिकनेस है हमारे पास यहाँ पे, थिकनेस को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए। लिटिल बिट शेप्स को थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं, लाइक यहाँ पे क्या था बस सिंपल बॉडी के लिए, तो बॉडी के सेम सिमेट्री में अगर इसे कॉपी कर दूँ, राइट क्लिक एंड कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ, ठीक है, पेस्ट एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कलर कोड कॉपी करते हैं यहाँ पे, कलर कोड का मतलब जो स्किन का है, तो मैं स्किन का कलर अगर मैं पिक करना चाहूँ तो पिक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्किन का कलर मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ओके। जैसे ग्रीन कॉम्बिनेशन है तो हम लोग यहाँ पे ग्रीन कलर, ठीक है, और जो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशन है हम लोग यहाँ पे पिक कर सकते हैं, थोड़ा सा लुक एंड फील वैसा आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सेलेक्ट एन असाइन, ठीक है, देन सेलेक्ट एन असाइन, ठीक है। तो वो चीज़ें वापस चीज़ें जो निकल रही हैं उसे थोड़ा सा मैनेज कर देंगे यहाँ पे, लाइक मैच स्मूथ यूज़ कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, मैच स्मूथ जो चीज़ें दिखनी नहीं है उससे हम लोग यहाँ पे विजुअल नहीं होने देंगे। सपोज जैसे इतना पार्ट है यहाँ पे, एक दो वर्टेक्स हमें अलग से विजुअल है, ठीक है, तो सेलेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। और देन विद द हेल्प ऑफ स्मूथनेस हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, चीज़ें कुछ अलग से विजुअल ना हो, ओके।
लेफ्ट एंड एफ थ्री, देन हल्का सा इसी शेप के अकॉर्डिंग नीचे कर देते हैं। जितनी चीज दिखती है हमें उतना ही बनाना होता है। जैसे बस लेग है, लेग के लिए चलते हैं, ठीक है, लेफ्ट एफ फॉर फ्रंट, ठीक है। अगर इसका अभी कलर कॉम्बिनेशन अगर कॉपी करूँ यहाँ पे सपोज, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिफ्यूज पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं सूज के लिए करना था, देने सूज के लिए यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ओके। सेम चीज़ बेसिक शेप वाइज अगर मैं देखूँ यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड पॉलीगन पे है, ठीक है, ओके। सेलेक्ट कर दें यहाँ पे, राइट क्लिक एंड ग्रो 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 एंड ग्रो, ठीक है। इतने पार्ट हमारे पास हैं, ठीक है। लेग के लिए इतना मुझे बूट अलग से बनाना है, ठीक है, तो बूट के लिए हमारे पास अलग कलर होगा। इवन मैं इतना चाहता हूँ लेग लेफ्ट पे गए, इतना पार्ट मेरे पास अगर हो गया, ठीक है, तो देन यहाँ पे मैं इतना क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ डिटैच का एक ऑप्शन होगा यहाँ पे, डिटैच, ठीक है, लाइक लेग, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे सिंपल, और देन असाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, मेरे पास अगर शूज के लिए है लाइक शूज या बूट, ठीक है, इसको भी ऐसे मैनेज किया जा सकता है, तो टाइम देना पड़ेगा। लाइक इसको शेप्स को कैसे मैनेज करें, बेसिक शेप है, लाइक इसका बेसिक शेप को हम लोग किस तरह से डील कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मुझे सोल बनाना था, सोल बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू मॉडिफाई, ठीक है, और फॉर स्केल, तो सब चीज़ों को मैनेज करो यहाँ पे, ये सब कुछ वन लेवल पर होना चाहिए यहाँ पे, ओके। अब सोल के हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग अलग से इस चीज़ को डील करें यहाँ पे, सेप से लाइक स्टार्ट कर सकते हैं विद बॉक्स, ठीक है, लेफ्ट पे गए बेसिक सेप, अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे विद बॉक्स, ठीक है, अपर फ्रंट डब्लू, हाइट कर देते हैं थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है। या अगर मैं देखूँ मेरे बेसिक से कितना चाहिए फ्रंट, ठीक है, राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे इतना आ गया, इतना शेप मेरे पास यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। लेफ्ट में चलते हैं यहाँ पे, एम प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मेरे पास यहाँ पे, तो मैं असाइन कर सकता हूँ यहाँ पे, सेगमेंट में दे सकते हैं यहाँ पे, मुझे कैसे कैसे नीड है, सपोज इतना पार्ट मुझे ऐड ऑन करना, तो इतना पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, कनेक्टिविटी दो यहाँ पे, राइट क्लिक एंड कनेक्ट, ठीक है, सपोज 5 सेगमेंट मैंने यहाँ पे दे दिया यहाँ पे, वन प्रेस कर दिया यहाँ पे, मैं चीज़ को मैनेज करता हूँ, इतना था पार्ट, ठीक है, शेप्स को थोड़ा आप डील कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। अभी साइड से तो हम लोग मैच कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो हमारे साथ आता है फ्रंट से, लाइक फ्रंट का एक आइडिया नहीं होता। फ्रंट आइडिया के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लाइक एडजस्ट सेलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पे रिंग, राइट क्लिक एंड कनेक्ट, कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, सिंपल 1 सेगमेंट लेता हूँ, 1 और 3 सेगमेंट में हमारा काम हो जाएगा, लेकिन उसे मैनेज करना, ऑल्ट क्यों, T4 टॉप एंड जेड, टॉप से चलते हैं यहाँ पे। बेसिक शेप क्या है, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डील करना है, सेलेक्ट कर दिया थोड़ा सा राउंड, ठीक है, लिटिल बिट, एक बूट का हम लोग का रेफरेंस देखें यहाँ पे, लाइक चलते हैं हम लोग यहाँ पे गूगल पे, गूगल बूट, बूट देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, शेप्स देख सकते हैं यहाँ पे, जो शेप्स है यहाँ पे लाइक आगे से पॉइंटेड है, इधर से थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपल सा पार्ट लाइक सेलेक्ट कर दिया, और फॉर स्केल, ठीक है, ये शेप्स यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्केल कर सकता हूँ यहाँ पे वन साइडेड, ठीक है, और ये थोड़ा सा ब्रॉड लाइक आइटम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, शेप्स को थोड़ा सा मैनेज करते हुए, ठीक है, शेप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं यहाँ पे, लाइक सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और देन दोनों पार्ट को यहाँ पे मैनेज, ठीक है, कर्व मेंटेन कर देंगे यहाँ पे,
कैसे हम लोग चीज़ को डील कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये आपका फ्रंट का और लेफ्ट का एरिया थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे स्टेप्स में मेंटेन करेंगे कि ऐसा कुछ शेप्स होना चाहिए और वन साइडेड आपका ज़्यादा निकलता है, लेकिन अगर मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखा है देन ये पार्ट आपका थोड़ा स्मूथनेस के साथ इक्वल नहीं होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे देखें लाइक बूट रेफरेंस है, देन वन साइडेड आप देखोगे तो वन साइडेड आपका कर्व निकला है यहाँ पे। आपको बहुत अच्छा अगर क्लियर करना है तो आप यहाँ पे बूट बॉटम करके सर्च करो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा लाइक ठीक है, यहाँ पे शेप यहाँ पे कर्व है, कर्व साथ यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा शेप आपके यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे जैसे ये थोड़ा सा कर्व। आप चाहो तो इनको भी लेके यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, लेकिन कार्टूनी गेम कार्टून को थोड़ा सा बेसिक शेप ही यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करते हैं आपसे कि यार जो गैपिंग है गैपिंग वाइज लाइक शेप्स ठीक है, ये लिटिल बिट थोड़ा सा मैनेज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ रफ आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे और थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं, वन साइडेड और ये थोड़ा सा पीछे से थोड़ा पतला होना चाहिए, तो थोड़ा सा पतला करने के लिए यहाँ पे रिंग देन राइट क्लिक एंड कनेक्ट, सॉरी कनेक्ट में हमें यहाँ पे लिमिटेड सेगमेंट लाइक एक सेगमेंट से मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, आर फॉर स्केल देन लिटिल बिट स्केल कर दें यहाँ पे तो कर्व मेंटेन कर दें यहाँ पे। ठीक है, बेसिक शेप आपके यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा यहाँ पे। लेफ्ट में चलते हैं यहाँ पे, ओके राइट क्लिक अनहाइड ऑल, यहाँ पे देखते हैं पे रेफरेंस में क्या क्या चीज़ें लाइक फुली ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पे देखते हैं जो पार्ट है ना पे कुछ एक्सट्रूडेड है यहाँ पे, तो शेप को मेंटेन करते हैं यहाँ पे लाइक ये पार्ट यहाँ पे टी फॉर टॉप ऑल्ट क्यू ठीक है, आर फॉर स्केल थोड़ा सा ये एरिया थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर देते हैं यहाँ पे। लिटिल बिट ठीक है, सेलेक्ट कर दिया ठीक है, और राइट क्लिक अनहाइड ऑल, इसे स्केल कर देते हैं क्योंकि आप यहाँ से मैं एक्सट्रूड करना है यहाँ पे डब्ल्यू लाइक आर फॉर स्केल ये स्मूथनेस आप वैसे सही हो जाएगा, तो हमने थोड़ा सा भी ज़्यादा ठीक दे रखा है। कर्व है, कर्व को मेंटेन करो, आप कितना कर्व को मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे ठीक है, लगता है अगर मैं यहाँ पे इतना मेंटेन कर सकता हूँ तो मुझे लगता है एजेस की नीड है, ऑल्ट आर देन राइट क्लिक एंड कनेक्ट, ऐसे करके कनेक्ट किया जा सकता है यहाँ पे, वन प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देन सबको एक लेयर पे लेके चलते हैं, सेलेक्ट कर दिया वन देन आर फोर स्केल ठीक है, स्केचिंग रेफरेंस उतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं है ठीक है, हम लोग थोड़े से आइडिया ले लेते हैं यहाँ पे। पॉलीगन्स डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे इतना पार्ट ठीक है, देन एक्सट्रूड कर देते हैं यहाँ पे लिटिल बिट, यहाँ पे एक्सट्रूड करके मैनेज कर सकते हैं, हमारा सोल हो जाएगा यहाँ पे परस्पेक्टिव एंड जेड। अब जो ये वाला पार्ट है इसको हमें थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग मैनेज कर देते हैं, सेलेक्ट कर दिया उसे वैसे ठीक है, ऑल्ट क्यों देखो यहाँ पे जो सेफ है इन सेफ्स को कैसे मैनेज करना है, आपके यहाँ पे कुछ टूल्स है जिससे मैनेज करना है, सेलेक्ट करते हैं मॉडल ठीक है, एजिस की नीड है एजिस दे दो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर चाहिए तो उसे मैनेज करना, मैं मैनुअल भी डील कर सकता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन और भी होता है फुल एंड पोस्ट पेंट डिफॉर्मर ठीक है, पेंट डिफॉर्मर में एक रिलैक्स ऑप्शन होता है यहाँ पे, आप यहाँ पे ब्रश साइज थोड़ा सा छोटा कर सकते हो आप यहाँ पे ठीक है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो देन थोड़ा सा कम करते हैं यहाँ पे, ब्रश साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पे ठीक है, देन देखो ये अपने आप ही मैनेज हो जाएगा, आपको यहाँ पे ज़्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है लाइक जीवस, जीवस में भी ऐसा कुछ ऑप्शन है, ये बेसिक टूल्स होते हैं सब में थोड़ा बहुत काम करने के लिए, आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे, और मैं इसको अभी डिस्कस कर सकता हूँ कि किस टाइप इस चीज़ को फोकस किया जाए ठीक है, जस्ट बेसिक शेप है आपके पास यहाँ पे तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर दो आप यहाँ पे, ठीक अपने आप यहाँ पे मैनेज हो जाएंगे आपके ठीक है, तो जो डिटेलिंग है मैं मैनुअल भी डील कर सकता हूँ यहाँ पे लाइक टॉप एंड जेड ठीक है, ठीक है आप यहाँ पे देखोगे एडिट पाले में लास्ट ऑप्शन है पेन डिफॉर्मर, पेन डिफॉर्मर के अकॉर्डिंग में आप चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करते हो ठीक है, और फॉर टाइमिंग मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, किस टाइप से सेफ को हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे,
वनप्लस के यहाँ पे लगता है यहाँ पे सेफ्स को थोड़ा सा मैनेज करना है, क्योंकि एक अंदाजा हमने सेफ को पहले मैनेज किया था, अब मेरे पास एक बेसिक रफ आइडिया मिल गया कि कैसा सेफ हमें यहाँ पे डील करना है, तो मैं चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट कर दें यहाँ पे, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, और जो भी सेफ्स है सेफ्स के अकॉर्डिंग ही आपको मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। जब मैं स्मूथ करूँ तो स्मूथ के बाद यहाँ पे चीज़ें सही दिखें, वाई फाई एडेड। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ मैश स्मूथ मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे, तो अब मुझे मैश स्मूथ के साथ इनको डील करना है। एक ऑप्शन है यहाँ पे, शो एंड रिजल्ट ऑन ऑफ टॉगल। ठीक है, आपको सेम वही लेफ्ट राइट करके आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है कि सेफ इसके अंदर दिखें यहाँ पे। ठीक है, ओके, चीज़ों को मैं यहाँ पे डील कर सकते हैं यहाँ पे। ये सब सेफ है आपके पास यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैनेज करो आप यहाँ पे। ठीक है, और प्रोस्पेक्टिव में जाओ, डील करो आप यहाँ पे। ठीक है, कुछ पार्ट जो आपका निकला होता है देन मैं उन पार्ट के यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे। नंबर सेलेक्ट कर दिया मैंने टॉप एंड जेड। ठीक है, ओके, सेफ को थोड़ा सा कम पॉली में हम लोग थोड़ा सा डील करने की कोशिश करें यहाँ पे, ताकि सेफ मेरे पास यहाँ पे थोड़ा बेटर दिखे यहाँ पे। ऑर्बिट करके थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे जो सेफ्स यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सेफ्स है। अब सेफ को कैसे मैनेज करना है, तो कुछ चीज़ में ऊपर की तरफ एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, कुछ चीज़ में नीचे की तरफ एडजस्टमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। लाइक लेफ्ट लगता है मुझे ये एरिया थोड़ा सा ब्रॉड लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आर फॉर स्केल और देन मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कर दें। ऐसे नहीं सिर्फ एक ही जगह एडजस्टमेंट होगा, आप अगर रेफरेंस फॉलो करते हो, रेफरेंस के अगर आप चीज़ों को फॉलो करते हो तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। जैसे एक अप्रॉक्सीमेट चीज़ों को मैंने मैनेज किया यहाँ पे, तो देन मेरी कोशिश ये कि थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को फुलफिल करें यहाँ पे, सेलेक्ट कर दें यहाँ पे। लाइक हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि कैसे हमें डील करना है यहाँ पे। ठीक है, ऑर्बिट को आप यहाँ पे देखना पे, देन यहाँ पे नीड है थोड़ा सा अंदर लेके जाने की, तो आप अंदर लेके जाओ यहाँ पे। ठीक है, और ठीक है, जैसे ये देखो नीचे थोड़ा सा गैपिंग है, इस गैपिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एडिट दे सकता हूँ यहाँ पे। सपोज यहाँ पे मैंने कर दिया ऑल्ट आर, देन राइट क्लिक एंड कनेक्ट, कनेक्ट करके जो यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे, ओके यहाँ पे मैं ऑप्शन नीचे लेके आता हूँ, ये थोड़ा शार्प कर देगा यहाँ पे, लाइक कॉर्नर पॉइंट का थोड़ा सा मैनेज कर देगा आपको यहाँ पे, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को फुलफिल करने के लिए। जहाँ लगता है यार यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है, तो देन अल्फो लेफ्ट और देन चीज़ों थोड़ा सा मैनेज कर दो आप यहाँ। अच्छा, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो आप यहाँ पे, थोड़ा सा चीज़ों को देख के थोड़ा सा चीज़ों को फुलफिल करना है। जैसे ये सेप्स यहाँ पे, तो देन सेप्स को यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। अब ये इसको भी लेके साथ में आएगा, तो इसको भी थोड़ा सा मैनेज कर दें यहाँ पे। ठीक है, F3 सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके, और देन तो अब कर्व है लगता है, थोड़ा सा कर्व मुझे यहाँ पे दे देना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा कर्व दे सकता हूँ यहाँ पे। ओके, टॉप लेवल थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं यहाँ पे, जहाँ जैसा एडजस्टमेंट हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हुए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो शेप है, अब मैं इसमें यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे यूज़ किया मैश स्मूथ, ये भी राउंड में देखेगा यहाँ पे। तो ये राउंड में देखने के लिए क्या है, एक हम लोग यूज़ कर सकते हैं सैम्पल, ओके सैम्पल है यहाँ पे, ओके बहुत ज़्यादा यहाँ पे, जो शार्प करने के लिए हम सैम्पल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं हर चीज़ को बिल्कुल शार्प कर देगा यहाँ पे। मैं इवन कि मैं एजिस को भी लेके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, देखें यहाँ पे हर एजिस सैम्पल हो गया यहाँ पे, एंड मैं स्मूथ में आपको चीज़ें बहुत शार्प देखे यहाँ पे। तो इफ़ यू वॉन्ट लाइक थिकनेस हमें ज़्यादा देना, तो मैं ज़्यादा भी दे सकता हूँ आपसे। ठीक है, बहुत अच्छा सा सेफ कम टाइम में
वो कोशिश कर सकते हैं अगर नीड है, लेकिन बहुत कुछ साल पड़ता हम लोग रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मुझे लगता है मैनुअली डील करना पड़ेगा, तो सपोर्टिंग एज पे मुझे काम करना पड़ेगा यहाँ पे। सपोर्टिंग एज यू नो लाइक ऑल्ट आर राइट क्लिक एंड कनेक्ट, ऐसा कुछ कर सकते हैं, या फिर एजेस को पकड़ो यहाँ पे, लूप कर दें यहाँ पे, एज ए लूप। ठीक है, सैम्पल कर सकते हम यहाँ पे, राइट क्लिक एंड सैम्पल। ऐसे करके भी कुछ काम किया जा सकते हैं यहाँ पे। एक साथ अगर मैं कर दूँ सबको तो मेरा काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। जैसे एक यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है, और सपोज ये मैंने डन कर दिया, यही काम मैं यहाँ पे भी कर दूँ, 1 2 डन, यहाँ पे मैं बस लूप, यहाँ पे लूप लाइक एंड लूप। ठीक है, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, एक साथ होना चाहिए, याद रखना। ओके, सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे लूप, जहाँ नीड है। ओके, पीछे का छूट यहाँ पे लूप, राइट क्लिक एंड सेंड फॉर। तो यहाँ पर मैं कहूँ तो थोड़ा सा मेरे पास ये चीज़ें मैनेज हो जाती हैं यहाँ पे, मैं स्मूथ। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉर्नर शेप आपके यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। चीज़ को आप यहाँ पे देखो, इसमें थोड़ा सा ट्विकिंग वाला पार्ट है, थोड़ा सा इसे मैनेज करना पड़ेगा। मैं मैनुअल मैनेज कर दूँ या फिर मैं रिलैक्स करके मैनेज कर दूँ। ठीक है, लाइक 1 2 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, राइट क्लिक एडिट ज्योमेट्री, देन यूज़ करो रिलैक्स, ये मैनेज कर देगा आपका। सॉरी, राइट क्लिक एंड एडिट ज्योमेट्री, यहाँ पर रिलैक्स, यहाँ पे ये मैनेज कर देगा आपको थोड़ा सा वन बाय वन करके, लाइक थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, सिर्फ इसको कैसे मैनेज कर सकते हो, तो बेसिक बेसिक आपको यहाँ पे ट्वीकिंग करनी है यहाँ पे, कितना कितना आप चीज़ को मैनेज कर सकते हो शेप वाइज। जस्ट ये बेसिक ब्लॉकिंग है, बेसिक ब्लॉकिंग वाइज मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को फोकस कर सकता हूँ, और इक्वल वाइज मैं यहाँ पे सिर्फ देखो यहाँ पे कितना मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। ओके, और फिर चीज़ों को फर्जी करता, तो जस्ट बेसिक ब्लॉकिंग है, बेसिक ब्लॉकिंग में हम लोग किस टाइप की चीज़ों को फर्जी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, राइट क्लिक अनहाइड ऑल, तो मैंने यहाँ पे देख लिया, ओके मेरे पास कुछ पार्ट है, तो देन लाइक दिस वन। ठीक है, ओके, हम लोग यहाँ पे जस्ट कॉपी कर सकते हैं, ये कॉपी करते हैं, सिंपल सिमेट्री कॉपी करते हैं यहाँ पे, कॉपी। ओके, और देन इन दोनों के साथ लाइक फॉर टाइमिंग मैं अभी थोड़ा सा मटेरियल में चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, और राइट क्लिक एंड अटैच कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं स्मूथ। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ यहाँ पे लाइक सिमेट्री है मेरे पास, यहाँ पे पेस्ट सिमेट्री, सिमेट्री डेन सिमेट्री को लेकर चलते हैं यहाँ पे, चल गई सिमेट्री। सिमेट्री बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा, तो मैं नया सिमेट्री लगा देता हूँ, एस वाई सिमेट्री, कॉपी। ठीक है, फ्लिप, थोड़ा सा रोटेशन की नीड है। यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँ, राइट कॉपी देन पेस्ट। ठीक है, डन, मैं स्मूथ कॉपी कर सकते हो, कॉपी देन पेस्ट। ठीक है, सेम चीज़ इसको भी यहाँ पे कॉपी करनी है। ठीक है, तो देन एस वाई सिमेट्री। ठीक है, इधर लेके चलते हैं यहाँ पे और फ्लिप कर देते हैं यहाँ पे, हल्का सा रोटेशन। ठीक है, तो हम लोग देखें तो बेसिक ब्लॉकिंग अवस्था पर रेडी हो गया। ठीक है, नीचे का पार्ट थोड़ा सा छूट गया, राइट क्लिक एंड टॉप लेवल बाहर निकलते हैं यहाँ पे, और एम प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यूँ अगर मैं देखूँ यहाँ पे इसके नीचे वाला पार्ट छूट गया यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं, जस्ट कॉपी कर दें यहाँ पे, मैं स्मूथ यहाँ पे भी है और नीचे भी मैं स्मूथ ही है ना, तो यहाँ पे क्या करता हूँ लाइक सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और अटैच कर देता हूँ पर, राइट क्लिक एंड अटैच, तो अपने आप ले लेगा वहाँ पे। याद रखना मैं स्मूथ ऑफ करके लेना, ठीक है, नहीं तो जहाँ आपने किया ना काम, तो वहाँ पे काम आपका हो जाएगा खराब। ओके, मैं स्मूथ ऑफ, सिमेट्री भी ऑफ। ठीक है, राइट क्लिक एड कॉल में एंड अटैच। ठीक है, इस तरह के सिमेट्री अपने आप नीचे आ गया यहाँ पे, मैं स्मूथ। ओके,
स्विफ्ट टाइप सेफ फ्रेम और बेसिक ब्लॉकिंग एंड बॉडी रेडी है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है, थैंक यू।